अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो टी वी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त वसीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने जो मरहला वार सिलसिला शुरू किया है आपके लिए, जो है वो लीगल एडवाइस का, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसके सवाल और जवाबात का, उसी सिलसिले में ये जो है हमने हमारी दूसरी वीडियो है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे किसी भाई का था कि मुझे इमरजेंसी पर छुट्टी पाकिस्तान जाना है, लेकिन उसके पासपोर्ट में सिर्फ 28 दिन बाकी हैं, तो पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए भी कम से कम 1 महीना चाहिए होता है। तो कोई ऐसा हल बताएं कि जो है वो कम वक्त में जो है वो, यानी कि पासपोर्ट भी रिन्यू हो जाए और ताकि वो ट्रैवल भी कर सकें, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने कर लिया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आप तक लेकर आते हैं सबसे ऑथेंटिक लेटेस्ट न्यूज़ और आपके हर तरह के सवाल जवाब। और दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इनके जो है वो सवाल का जवाब ये था कि इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक बैन अल-अक़वामी सफ़र की सूरत में पासपोर्ट की मियाद कम से कम 6 माह होना ज़रूरी है। अगर आपका जाना इंतहाई ज़रूरी है तो आप पाकिस्तान एम्बेसी या कौंसलेट से रजू करें, जहां पासपोर्ट रिन्यू के तमाम मराहल मुकम्मल करने के बाद जब पासपोर्ट ऑफिसर से दरख्वास्त करें कि आपके पासपोर्ट की मियाद में 6 माह की तस्दीक कर दी जाए, यानी कि जो आपका करंट पासपोर्ट होगा। डिजिटल पासपोर्ट की तजदीद के लिए 1 माह का वक्त दरकार होता है। इसके लिए आपके सामने एक ही सूरत है कि आप अपने पासपोर्ट पर रवायती तरीके से आर्जी तस्दीक करवा लें। पासपोर्ट की जो मियाद में आर्जी तस्दीक के बाद आपको जवाबदार से रजू करना पड़ेगा, जहाँ पासपोर्ट की तारीख जो वो लास्ट डेट होती है, जो एंड डेट होती है, यानी कि एक इश्यू डेट होती है, एक एंड डेट होती है, उसको ठीक करवाना होगा, जिसके आपके पास एग्जिट एंट्री का आपका वीज़ा लग जाएगा, एग्जिट एंट्री लग जाएगा और आप इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। यानी कि आपका जो करंट पासपोर्ट होगा वही, उसी पे जो है वो उसको जो है एक्सटेंड कर दिया जाएगा कुछ जो है वो कुछ डेज के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, और यानी कि 6 मंथ्स के लिए उसमें जो है एक्सटेंशन कर दी जाती है। तो वो फिर आप उसके बाद आके अपना नया पासपोर्ट ले सकते हैं और आप तो है आप उस 6 माह के अंदर अंदर ट्रैवल कर, 6 माह के जो एक पासपोर्ट एक्सटेंड होता है उस पर फौरी तौर पे आप ट्रैवल कर सकते हैं। यानी कि ये उस सूरत के लिए है कि आपके पास पासपोर्ट रिन्यू करवाने का टाइम नहीं है, लेकिन आपको ट्रैवल भी उसी दिन करना है, किसी फौतगी की वजह से, किसी खुशी गमी, कोई भी रीज़न हो सकती है, तो उसके लिए जो है आप इस तरह से जो है जा सकते हैं। तो ये थे आपके जो है सवाल जवाब के सिलसिले में एक वीडियो। तो इसी तरह की मजीद वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। तो हमें तो इजाज़त दीजिए यहाँ से, और मिलेंगे आपसे एक नई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।